जुलाई महीने की सैलरी नहीं मिलने से नाराज भोपाल समेत 16 जिलों में पिछली कंपनी के करीब 1000 इंजीनियर हड़ताल पर चले गए हैं। इनमें असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर से लेकर एसी और डी भी शामिल है। हड़ताल से बुधवार को बिजली फॉल्ट सुधारने में देरी हो रही है तो लोगों को नए कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहे हैं। भोपाल में सभी डिविजनल ऑफिसों के बाहर नारेबाजी भी की गई। दरअसल बिजली कंपनी कंज्यूमर इंडेक्सिंग सर्वे करा रही है। इसमें पता लगाया जा रहा है कि कहां कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, उन पर कितने कनेक्शन है, कितना लोड है और आगे कितना लोड दे सकते हैं। साथ ही कनेक्शनधारी की एक एक डिटेल को भी सर्वे में शामिल किया जा रहा है। 30 जुलाई तक की डेडलाइन दी गई थी। सर्वे रिपोर्ट इंजीनियरों ने सबमिट भी कर दी। इसे आधा अधूरा सर्वे बताते हुए कंपनी ने इंजीनियरों की सैलरी रोक दी, इसलिए इंजीनियर हड़ताल पर चले गए। भोपाल, नर्मदापुरम, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, हरदा, विदिशा, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया समेत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में हड़ताल का सर है। वेतन नहीं, काम नहीं। संयोजक मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स। जैसा कि मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में जेई एंड एवब की सैलरी कंज्यूमर इंडेक्सिंग के कारण नहीं दी गई है और आज प्रबंध संचालक महोदय से हमारी चर्चा हुई, लेकिन उनके द्वारा जब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जब तक सैलरी देने से मना किया गया है। इसलिए कल से पूरे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जेई एंड एवब के सभी अधिकारी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें कि मोबाइल भी बंद रखेंगे और जब तक सैलरी नहीं मिल जाती है जब तक कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसजीवी, भोपाल।